नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच में एक और अपडेट निकलकर सामने आया है जिसमें अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग खतरे में हो सकती है। एक बहुत बड़ा पेंच दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। और जी हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा पेंच क्या है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्यों खतरे में है, फिर क्या संकट आ गया है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है और उच्च श्रेणी और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है सामाजिक विज्ञान के 35 शिक्षक शेष रह गए हैं, जिसमें से कहने का तात्पर्य है कि अब 35 शिक्षकों के लिए अलग से काउंसलिंग होगी। और ये देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 137 शिक्षकों की काउंसलिंग करने में स्कूल शिक्षा विभाग 2 दिन लग गए हैं इसको, और स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशय शिक्षकों की शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजने की कवायद जारी है। सहायक और प्राथमिक शिक्षकों के बाद अब उच्च श्रेणी और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। रविवार से काउंसलिंग शुरुआत हुई, पहले दिन 4 घंटे देरी से काउंसलिंग शुरू हुई थी। मैंने इसके पहले ही जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को कि 35 शिक्षक काउंसलिंग के लिए शेष रह गए हैं। इन सभी को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और काउंसलिंग को लेकर अव्यवस्था हावी है। सो कहने का तात्पर्य है कि काउंसलिंग लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राचार्य स्कूल प्राचार्यों ने कई शिकायतों को अतिशेष करने से बचाया है, मतलब कई सारी विसंगतियाँ सामने आ रही हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हो सकता है कि डेट एक बार और बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग का धोखा है, ये सिर्फ बिना सिफारिश करने वाले शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सो कहने का तात्पर्य है, एक इल्ज़ाम लगाया है प्राचार्यों ने कि ये जो शिक्षक हैं उनको परेशान करने का एक तरीका है। और ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं विशेषज्ञों ने भी कहा है कि दूसरे विषयों में दर्शा दिया गया है, विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को हिंदी गणित जैसे विषयों में दर्शाया गया है, यही वजह है कि इनका नाम अतिशेष की सूची में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ निकल कर सामने आ रही हैं अतिशेष शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों पर फिर मंडराया संकट, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि उच्च श्रेणी में और माध्यमिक शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद अतिथि शिक्षकों पर फिर संकट मंडरा गया है। अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना की है और अब इन्हें चंद दिनों में ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। और नवीन शिक्षकों की स्थापना की गई है। अब इस शिक्षक स्कूल में आमद दर्ज कराने पहुंचे हैं, ऐसे में जो अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। एक तरफ सरकार अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में पदस्थ कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ काउंसलिंग से पद भर के अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। तो ये इस प्रकार के संकट देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में और देरी हो सकती है, आप लोगों को और लंबा इंतजार करने को पड़ सकता है, क्योंकि अभी उच्च श्रेणी माध्यमिक और इसकी अगर बता दूँ सामाजिक विज्ञान अभी ओनली साइंस के भी जो अतिशेष जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग अभी होना बाकी है, अभी सिर्फ इनकी हुई है ये सोशल साइंस वगैरह को लेकर, है ना। और क्या अपडेट है देख सकते हैं यहाँ पर, जिले में वर्ग 1, 2, 3 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार प्रक्रिया जारी है, अतिथि शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की प्रक्रिया में भी उलझ रहे हैं आवेदक, शिकायतों का भी समाधान नहीं कर पा रहा विभाग। तो कहने का तात्पर्य है अतिथि शिक्षकों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ समस्याएं जो बनी हुई उनका समाधान भी नहीं कर पा रहा विभाग। यहाँ पर देख सकते हैं क्या समस्याएं हैं, देख सकते हैं आवेदक लेकर प्रदेश स्तर पर निराकरण के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन जो है वो प्रदेश स्तर पर लेकर निराकरण के लिए भेज रहे, भर्ती प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर हो रही है, पोर्टल पर खामी होने से कई आवेदकों को समस्या आ रही है, ऐसे में उनसे आवेदन लेकर प्रदेश स्तर पर निराकरण के लिए भेज रहे हैं, ये कहा है PS सोलंकी जिला शिक्षा अधिकारी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी समस्या यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 के पद स्थापना पर भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, शासन ने दूसरे चरण
के लिए 12 सितंबर अंतिम तारीख घोषित की थी, लेकिन खामियों के चलते यानी कई विसंगतियों के चलते आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से शासन ने तारीख बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि समस्या प्रदेश स्तर की है, इसलिए समाधान भी वहीं से होगा। आवेदकों से शिकायतों का लिखित आवेदन ले रहे हैं, जिन्हें भोपाल भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या लगातार जारी हैं और कहने का तात्पर्य है कि अतिथि शिक्षकों को और अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और देख सकते हैं कि अभी साइंस के जो अतिशेष जो शिक्षक हैं उनकी अभी काउंसलिंग बाकी है, तो हो सकता है आज या कल के बीच में स्टार्ट हो, तो हो सकता है कि डेट बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। हो सकता है डेट बढ़ाने के लिए एक भी कारण रहा कि 18 सितंबर जो डेट की गई है उसमें से लगभग 30% जो अति शिक्षक थे जिनको चॉइस फिलिंग का भी एक और मौका दिया गया है, तो इनके लिए भी डेट के लिए बढ़ाई गई थी। लेकिन खास तौर से और भी कई सारी विसंगतियाँ हैं जिनको लेकर ये डेट बढ़ाई गई थी, तो ये देख सकते हैं। इस प्रकार का आज अपडेट था दोस्तों। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।